करेंगे। बड़ी खबर चंदौली से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चंदौली पहुंचे थे। 30 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात चंदौली को मिली है। साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, भाई बहन की जोड़ी पर पलटवार किया। साथ साथ जो आरोप अखिलेश यादव की तरफ से परिवार को लेकर लगाए गए थे कि मुख्यमंत्री का परिवार नहीं है, उसको लेकर तीखा हमला समाजवादी पार्टी और स्पेसिफिक अखिलेश यादव पर मुख्यमंत्री ने बोला है। हेक्टेयर भूमि पर हो गए। जब नौकरी निकलती थी तो महाभारत के सभी रिश्ते निकल पड़ते थे वसूली के लिए, कोई चाचा, कोई भतीजा, कोई और कोई निकल पड़ता था। और उसके बाद हर प्रतिभाशाली यूपी का नौजवान वंचित रह जाता था। कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को प्रदेश के अंदर बना करके जो माफिया पहले सत्ता का सागर्द बन करके प्रदेश में अराजकता फैलाते थे, आज उन माफियाओं की जरूरत नहीं कि किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी किसान की सर्व संपत्ति पर कब्जा कर सके या किसी बहन बेटी की तरफ टेढ़ी नजरों से देख सके। अगर देखेगा तो प्रदेश सरकार का बुलडोजर भी खड़ा रहता उसकी छाती पर चढ़ने के लिए। मोदी जी ने जीवन को भी बचाया है और जीविका को भी बचाने के लिए जो अभियान चलाया है, फ्री टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? बहुत अच्छा। और मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, जो लोग बच गए वैक्सीन अभी तक नहीं लिए हैं, जो लोग अब तक वैक्सीन नहीं ले पाए हैं, उन लोगों को भी वैक्सीन लेने के लिए, दोनों वैक्सीन लेने के लिए हमें तैयार करना होगा। और अब बात प्रधानमंत्री के गोरखपुर दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को गोरखपुर पहुंचेंगे। 9600 करोड़ की सौगात गोरखपुर को मिलने वाली है। सबसे बड़ी सौगात तब तक ये इस वजह से भी होगी क्योंकि 3 दशक से जो खाद कारखाना बंद पड़ा था वो चलेगा। 10,000 लोगों को रोजगार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर मिल पाएगा। एम्स की सौगात गोरखपुर को मिल रही है और साथ ही वायरोलॉजी लैब भी यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, जिससे टेस्टिंग को लेकर और ज्यादा सहूलियत और सुविधाएं लोगों को मिल पाएंगी। मुख्यमंत्री भी आज तैयारियों को लेकर यहां पहुंचे थे, तैयारियों का जायजा लिया, समीक्षा की, अधिकारियों को निर्देश दिए। दिसंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कभी सपना बन चुके 3 बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। 2016 में गोरखपुर के खाद कारखाने का शिलान्यास किया और एक समय सीमा के अंदर यह खाद कारखाना बनकर के तैयार है। और 2016 में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक एम्स दिया और वह गोरखपुर में स्थापित किया। एम्स भी बनकर के तैयार है। अब एक ICMR का एक रीजनल सेंटर NIV पुणे की तर्ज पर गोरखपुर में बनकर के तैयार हो चुका है, जिसमें न केवल इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया, बल्कि कोरोना जैसी महामारी से जुड़े वायरस की पहचान करने और फिर उसके उपचार के लिए अनुसंधान को आगे बढ़ाने, दवा के निर्माण करने, इन सब की दिशा से भी अब एक नया सेंटर गोरखपुर में बनकर के तैयार हो चुका है।